ये लेटर कौन रख गए यहाँ पर? कोई नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हें जिस दिन से मैंने देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब मेरा कहीं मन नहीं लगता। मेरी जान तुम अगर हाँ कह दो तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना। प्यार करता हूँ तुमसे, भाई मत समझना। तुम्हारा आशिक। किस कमीने की हरकत है ये? सामने आ गया तो मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे चिंकी क्या कर रही है? चल बेड तैयार कर, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ मम्मी तैयार है। चिंकी ये तेरे हाथ में क्या है? अरे कुछ नहीं मम्मी, ये तो मेरे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। चल अब बोर लेट मत कर, चल स्कूल का टाइम हो गया है। ठीक है मम्मी, बाय बाय। ये कब से मुझे घूरे जा रहा है? शायद इसी ने मेरे घर के बाहर लव लेटर रखा था। चलो बारह का पहाड़ा सुनाओ। कौन सुनाएगा पहाड़ा? कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? हे भगवान बचा लेना, इस गंजे की नजर मुझ पे ना पड़े बस। नहीं आता क्या पहाड़ा? नहीं यार, तुझे आता है क्या? बारह का क्या, मुझे तो 13, 14, 15 सबका आता है। फिर मुंडी नीचे करके क्यों बैठा है? खड़ा होकर बोल दे। मेरे उसूल कुछ अलग हैं, मैं इंटेलिजेंट होने का दिखावा नहीं करता। कौन सुनाएगा? हाँ समोखन सुनाएगा। क्या मैं? क्यों नहीं आता क्या? नहीं सर, वो आता तो है पर आज वो गले में छाले हैं इसलिए बहुत दर्द हो रहा है बोलने में। फिर कभी सुना दूंगा आपको। रामखोर हर बार कुछ न कुछ बहाना तैयार रहता है तेरा। पिछली बार भी तू फेल हुआ था, इस बार भी फेल होना है क्या? Shut up. उतर गई हीरोगिरी। देखा सारी लड़कियां तुझ पर कैसे हंस रही थी। हंसने दे रे, आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चिंकी के सिवा वो एक बार पट गई तो समझ ले लाइफ सेट हो गई। क्या मस्त दिखती है वो। उसकी माँ को देखा है? नहीं। क्या डेंजर दिखती है, तुझे मार मार के टमेटो सॉस बना देगी। पिछली बार पेरेंट्स डे पर आई थी स्कूल तो पांडे सर ने गलती से चिंकी के एक सही आंसर को रॉन्ग बताकर उसे एग्जाम में कम नंबर दिए थे। उसके बाद चिंकी की मम्मी ने आकर पांडे सर को ऐसा रगड़ा कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। हाँ तो पांडे सर को बोला ना, मुझे थोड़ी बोलेगी। अबे जब पांडे सर ने उसकी मम्मी के सामने हाथ जोड़ लिए तो तू किस खेत की मूली है? वैसे भी तू कहाँ पढ़ाई लिखाई में जीरो और कहाँ वो पूरे स्कूल में टॉप आने वाली चिंकी। तुझे तो वो घास भी नहीं डालेगी। तुझे पता नहीं मेरे पापा कितने रईस हैं। मेरी लाइफ तो एकदम मस्त है, नो टेंशन ओनली मजा। देखा पड़ी ना, पहले ही बोला था पंगा मत ले। लेकिन यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी चाटा। खैर लव एंड वॉर में सब जायज है। आज शाम हम दोनों उसके घर जाएंगे उसकी मम्मी से मिलने। अरे पगला गया है क्या, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो तूने कुछ किया ही नहीं तभी इतने चांटे पड़ रहे हैं। कर जाएगा तो पता नहीं क्या करेगी। तू साले मेरा दोस्त है ही नहीं। वो यार लेकिन उसकी माँ से डर लगता है मुझे। ठीक है मैं चलूंगा लेकिन उसके घर से दूर खड़ा रहूंगा। तुझे अकेले ही उसके घर जाना होगा। ठीक है मेरा यार। Run. तुम्हें इतने खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। अब तो आई लव यू बोल दो, तुम्हारा आशिक। दिखाओ। अरे कुछ नहीं बेटा, वो दुकान से राशन लाना है ना, उसकी लिस्ट है। उसमें मेरी मैगी और सॉस भी लिखा है या नहीं? लिखा है बेटा, लिखा है। अब तू जा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है जाता हूँ। देख फिर से बोल देता हूँ, उसकी मम्मी बहुत डेंजर है, बच के रहना। ठीक है मैं डरता नहीं। देखना मैं प्यार से सासू माँ का दिल जीत लूंगा। हेलो सासू माँ, मैं आपका दिल जीतने आया हूँ। अरे अंदर क्या देख रहा है, ये मेरे लिए है क्या? हाँ आपके लिए है। अच्छा इसका मतलब वो लेटर भी इसी कमीने ने लिखा था।
लव करेगा हराम खोर, अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख कमीने, कहाँ तू साइकिल की घंटी और कहाँ मैं बुलेट की हॉर्न। अपनी माँ की उम्र की औरत को लव लेटर लिखता है चिरगुटी है। मम्मी इसने आपको भी लव लेटर लिखा? आपको भी का क्या मतलब? मम्मी इसने मुझे भी लव लेटर लिखा था। कौन सा लेटर, कैसा लेटर? अरे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, लगता है ये कोई पागल वागल है। मारो मम्मी मारो इसे, खूब मारो। क्या हुआ, भाग के क्यों आया? क्या बताऊं यार, उसकी माँ ने तो बिना बात के ही पेट दिया। देखा मैंने पहले ही बोला था, उसकी माँ बहुत डेंजर है। बाहर में गया लव शव, अब से नो लव नो अट्रैक्शन ओनली स्टडी। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। क्या? आईपीएस ऑफिसर बनने का। आईपीएस ऑफिसर समोखन, उसके बाद में बदला लूंगा अपनी इस बेइज्जती का। मैंने तुम्हें इतने लेटर लिखे पर तुमने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। कौन से लेटर? मुझे कोई लेटर वेटर नहीं मिले। अरे मैंने एक बच्चे से दो लेटर भिजवाए थे और उसे बोला था तुम्हारे घर के दरवाजे के पास रख दे। तुम कुछ भी कहो पर मेरे पास ना कोई लेटर पहुंचा ना कोई बच्चा। जान मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा मॉल में किसी और लड़की को शॉपिंग कराते हो और प्यार का नाटक मेरे साथ करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हो तो ये लेटर इनका था, फिर वो बेचारा कौन था जिसको मैंने पीट दिया।